हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रही है, मैं अभी सोने से खड़ा उठा हूँ और ड्यूटी भी जाना होता है। तो यहाँ रुद्रपुर में बहुत ही ठंड हो रही, कमर तोड़ ठंड जिसको बोलते हैं, ये हो रही है यहाँ बहुत ही ज़्यादा। कोहरा भी लगा रहता, बहुत ही वो होता है। और अब मुझे ठंडे पानी से मुंह धोने में बड़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं है। अब तो देखते हैं क्या, थोड़ा गैस में पानी गर्म करते हैं। तो अभी श्रीमती जी को बोलता हूँ थोड़ा गैस में पानी गर्म कर लो, क्या पता करती कि नहीं करती। 2-4 ताने भी सुनना पड़ेगा कि ठंडे पानी से धुल दो मुँह। अब पानी भी गर्म हो ही गया है तो देखते हैं क्या होता है। अरे मैडम जी, थोड़ा पानी गर्म कितना कर रखा आपने पानी गर्म? चलो ठीक है। दोस्तों ये मेरा मंदिर है और यहाँ पे मैंने भगवान जी को बिठा रखे हैं, इनकी मैं सुबह सुबह पूजा और शाम को करता हूँ। ये मेरा शंखनाक ध्वनि है और ये मेरे देवता जी हैं, ये भी मेरे देवता जी हैं, ये मेरे साईं बाबा हैं, ये हमारे इष्ट देवता हैं। ये अब मैं अपना देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, इष्ट देवता हमारे। अब सुबह सुबह मैं धूप और चंदन लगाता हूँ। चंदन इसलिए लगाना चाहिए कि दिमाग ठंडा रहता है, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो अब मैं पूजा करता हूँ, थोड़ा 10 मिनट भगवान को भी देता हूँ। तो तब तक आप देखते रहें। और दोस्तों फाइनली अब मैं ड्यूटी जाने का समय आ गया, क्या करें, ड्यूटी जाने पड़ेगा। तो अब मैं ड्यूटी जाता हूँ और मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, जिसको मैं बसंती और फरारी का नाम दे रखा है मैंने, क्योंकि फरारी सचिन तेंदुलकर के पास है तो मैं उसी में काम चला लेता हूँ कि मेरी ये फरारी है। तो अभी मेरे साथ एक जो ड्यूटी जाता है, मिस्टर सूरज बोरा, ठीक है, इनका भी यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड वाले, ठीक है, बहुत ही सपोर्टेड करते हैं ये मेरे साथ। अशोक लेलैंड मोड़ तक जाते हैं और ये HM करते हैं। हाँ, कौन से कॉलेज? ये सुशीला तिवारी। हाँ, HM करता है लौंडा, बहुत मेहनती है, ठीक है। उत्तराखंड वाला ग्रुप इनका बहुत फेमस चल रहा है, तो आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब करना, मेरा तो कर ही लोगे यार तुम, ठीक है। और तो अभी दिखाते हैं आपको फिर पूरे दिनचर्या कैसे चलता हमारा, ठीक है, कहीं कठिनाई, कहीं खुशी, कहीं गम, तो देखते रहना। थैंक यू। फरारी को बाहर निकाल रहा हूँ, ठंडा भी बहुत हो रखा है, अभी स्टार्ट भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा हेलमेट ले आ रहा हूँ, हेलमेट बहुत जरूरी है, भूल गया था, ठंडा बहुत हो रहा और ठंडा हो रहा है। चलो हेलमेट पहन लेते हैं। स्टार्ट ही नहीं होती यार, ठंड इतनी हो गई। स्टार्ट ही नहीं हो। जय बजरंग बली। तो स्टार्ट हो गई मेरी, थोड़ा ये भी नखरे करती है सुबह सुबह ड्यूटी जाने के लिए। तो ठीक है, तो सूरज ठंडा बहुत हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ठंडा हो रहा है यार। तो कितने बजे पहुँचता वहाँ? हाँ, पहुँच जाता है 10 बजे तक। हल्द्वानी में तो इतना ठंडा नहीं हो रहा होगा ना, वहाँ धूप आ जाती है ना? हाँ, वहाँ नहीं होता, यहाँ कोहरा बहुत लग जाता है। दोस्तों अब आए हम अशोक लेलैंड के रेलवे फाटक पे, यहाँ पे घंटों ही जाम लगा रहता है। यहाँ पे 2 पटरी है तो यहाँ पे जो कंटेनर आते हैं उनका भी यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है और ट्रांसफर होती है इधर उधर, घंटों ही जाम लगता है तो ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाते हैं। दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का पंथ नगर यूनिट। इस अशोक लेलैंड कंपनी में मैंने काम किया था, नॉन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में, अशोक लेलैंड में। तो ये अशोक लेलैंड का पंथ नगर यूनिट बहुत ही बड़ा है अंदर से, और
बहुत ही अच्छा गार्डन है। और दोस्तों ये आ गए हम हल्द्वानी और रुद्रपुर जाने के लिए, हल्द्वानी के लिए रूट करता है और रुद्रपुर के लिए। अब मेरा साथी यहाँ पे उतरेगा, ये हल्द्वानी जाएगा। अब बाइक रोकते हैं। सूरज अब तू निकल, ठीक है? अब आराम से जाना। कैसे जाएगा? बस से आओ तो बस मिल जाएगी तेरे को? मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी। नहीं तो किसी बाइक वाइक से लिफ्ट मांग लेना। ना, ना। हेलमेट भी तो नहीं है तेरा? अभी आ गई बस। आ गए बस, चलो ठीक है, बस भी आ गए तो मैं भी जाता हूँ ड्यूटी। ओके आराम से, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ मिलते हैं। पार्टी भी करेंगे तो हैं, कल करेंगे यार। तो आज टाइम भी बेवकूफ़ बना देता, कल तो बोले कि पार्टी आज करेंगे। अरे टाइम फिर बहन की शादी हुई, पार्टी नहीं कराया अभी ढंग से। चलो हो जाएगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कंपनी, और कंपनी का नाम मैं अभी बताऊँगा नहीं आपको, ठीक है? तो अभी मैं कंपनी पहुँच चुका हूँ। ये कितने सुंदर फूल खिले हैं, गार्डन है, ठीक है? तो चलो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। टाइम ये हमारा लंच ले जा रहे हैं हम, 2 बज गए, अब हमारा लंच टाइम होगा। खाना खाएंगे, थोड़ा देर घूमेंगे। ये हमारे बिट्टू भाई हैं, और ये बिट्टू भाई नई नई शादी हो रखी है। कैसे रही आपकी शादी? बहुत बढ़िया। और क्या करते रहे भाई? ये हमारे कमलेश सर हैं, ये हमारे राजीव सर हैं, ठीक है? तो अब हम जा रहे हैं लंच। राजीव सर ने घर से बहुत अच्छा खाना बना के ला रखे हैं कोलकाता का। क्या है सर कोलकाता का फेमस? रसगुल्ला। रसगुल्ला, चलो देखते हैं, खाते हैं रसगुल्ला आज। ओके फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइज हमने खाना तो खा लिया। अब ये हमारे मेरे जी हैं, मास्क पहने, मास्क उतारो थोड़ा। ये बहुत ही सुशील शोभा के आदमी हैं, गंभीर भी हैं, बहुत ही अच्छे, हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं। मेरे जी हैं, ये हमारे कमलेश सर जी हैं, हमारे गुरु जी, और ये हमारे भुवन सर हैं खटीमा के। थोड़ा काम पड़ेगा इनका, मुख्यमंत्री ने के कहूँगे 2-4 योजनाएं लिए आएंगे, ठीक है भुवन सर? बिल्कुल, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी लगा देंगे, ठीक है? ये हमारे मेरे जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही थोड़ा हाइट में छोटे हैं पर। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर। छुट्टी का टाइम हो चुका है, अब चलते हैं हम घर को, घूमते जाएंगे। अब ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, मिलते हैं फिर। इसके साथ ही हमारे बोगना जी है, इन्होंने 25,000 की साइकिल ला रखी है। इनका थोड़ा पेट आगे बढ़ गया, पेट आगे बढ़ गया। तो ये हमारे बोगना जी है, आंके रहने वाले भी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, आज जनरल बिपिन चंद्र बेचारे का भी वो हो गया, ठीक है? पौड़ी से बिलोंग, आप सभी को पता है। चलो ये देखो इनकी साइकिल कितनी अच्छी साइकिल है। कहाँ तक जा रखे हैं? भूरा रानी। भूरा रानी तक, अब इनको क्या पता है भूरा रानी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी इनके साथ साइकिलिंग करता हूँ थोड़ा। थैंक यू। शाम के बज रहे हैं 7:30, अब हम जाते हैं दूध के लिए, फिर दूध ले आते हैं बाहर। फिर भाई इंतज़ार कर रहे हैं, फिर दूध ले आते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो अभी यहाँ पे सूरज आ रखा है, कल बोल रहा है कि चलो नैनीताल चलते हैं घूमने। तो मैंने इसको बोला है कि देखते हैं पहले, कल छुट्टी का देखते हैं क्या प्लान बनता है, तब चलते हैं। अगर टाइम लगेगा तभी चलेंगे, ठीक है? तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, और सूरज भी मेरा साथ रहेगा। अगर हम कल नैनीताल चलेंगे तो कल नैनीताल को दिखाएंगे क्या क्या है, अगर नहीं चलेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इतना मेरा सपोर्ट करते रहना, थोड़ा लाइक एंड कमेंट तो कर ही देना यार, ठीक है? तो शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।